आज मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूँ कि अगर 60 रुपया डॉलर पर आईसीयू में पहुंचा है तो जब हाल हो गया सत्याग्रह पर मैं बैठा था 3 दिन, मेरा टेंट ऐसा भी सुंदर टेंट नहीं था जो 11 लाख ने यहां बनाया है। मेरा कपड़े का टेंट था, दूसरी तरफ, और आपका हाथ मेरे हाथ के साथ और भाजपा का शुक्ला साथ। धन्यवाद। जय हिंद। जय भारत। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि इतने बड़े गुलाबों की माला लेके आप आए हो, लेकिन बहुत हो गया इन भाजपाइयों का खेल। अब मध्य प्रदेश की जनता चाहती है विधानसभा का कांग्रेस प्रत्याशी। कैसा आप चुनाव रैली के बाद महसूस कर रहे हैं और क्या जीत का आधार है आपकी और क्या आरोप प्रत्यारोप जो भाजपा लगाती आ रही है लंबे समय से उसका कैसे जवाब देंगे आप फील्ड पे? भाजपा का तो काम ही है किसी के ऊपर इल्जाम लगाना, ऐसा कोई बात नहीं है। हमारे मध्य प्रदेश में बहुत अच्छी स्थिति कांग्रेस की और सेंधा विधानसभा तो बहुत ही अच्छे वोट से जीत रही है। 15 साल से ग्रामीण क्षेत्र में उन्होंने छक्के तक सेंधा में 15 साल से पूरे 106 कारखाने को पूरे कारखाने भरक पड़े हुए हैं। यहाँ का पूरा आदिवासी गायन होकर महाराष्ट्र गुजरात में जा रहा है और यहाँ के व्यापारी भी अपने मतलब जो कारखानों को लेके वो भी महाराष्ट्र में जाकर कारखाने डाल रहे हैं। उन्होंने 15 साल में उन लोगों को भी मतलब ध्यान नहीं दिया और किसानों की तो इतनी हालत खराब हुई कि दिनों दिन मतलब भाव बढ़ते गए और किसान का उपज का भाव बिल्कुल मिला नहीं। युवा जितने भी पढ़े लिखे हैं उनको बिल्कुल रोजगार नहीं मिला है। व्यापम में बाहर से लड़कों को मतलब खींच दिया गया, यहाँ लोकल लड़कों को उन्होंने मतलब रोजगार के तौर से उन्होंने सर्विस मिली उनको। आपके स्थानीय मुद्दे जो है जिनके आप अपने विधानसभा क्षेत्र में जाएंगे अपने वोटरों से अपना मत मांगेंगे, वो ऐसा क्या है जो आपको